गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल एंड टुडे आई विल रीड चैप्टर नंबर 10 इन इंग्लिश ग्रामर, दिस दीज दैट एंड दोज। देखिए, पास की चीजों के लिए हम अगर सिंगुलर चीज है तो हम दिस लगाते हैं, और पास की चीजों के लिए अगर प्लूरल चीज है तो हम दीज लगाते हैं। ओके, जैसे बुक्स हैं, ये टू बुक्स हो गई, ये प्लूरल फॉर्म हो गई, इसलिए दीज आर माई बुक्स। ओके, दिस इज अ ट्री। देखिए, ये पास में ही है गर्ल के, ठीक है, और ये सिंगुलर है इसलिए दिस, ठीक है, यह एक पेड़ है, ये मेरी किताबें हैं। अब देखिए, पेड़ जो है वो देखिए गर्ल से काफी दूर है ना, डिस्टेंस के साथ, दूरी के साथ है, तो अब इंडिकेट कर रही है यानी कि संकेत दे रही है लड़की जो है उस पेड़ के बारे में बता रही है, तो दैट इज अ ट्री, वह एक पेड़ है, ठीक है, क्योंकि वो दूर है तो वो दूर की वजह से कैसे कह रही है, दैट इज अ। ओके, अब बुक्स हैं बट सेल्फ में रखी हुई है, बुक्स सेल्फ में और बॉय से काफी दूर हैं, ये देखिए बुक्स इसके बिल्कुल पास हैं, इसलिए कह रहा है वो, देखिए दीज आर माई बुक्स, और ये डिस्टेंस के साथ रखी हुई है, दूरी पर है, तो बॉय जो है इंडिकेट कर रहा है उन बुक्स को, कह रहा है दोज आर माई बुक्स यानी कि वे मेरी किताबें हैं, ठीक है। देखिए, फ्राई पैन जो है वो क्या है, पास में है इसलिए दिस, ठीक है।